इसलिए फरमाया रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, मजबूरी में मस्जिद से बाहर तो हो, जॉब भी करनी है, मुलाजमत भी करनी है, जाहिर है अंडे खरीदने के लिए अंडे के पैसे भी तो चाहिए ना, मुर्गी भी फ्री में अंडे नहीं देती क्या, आपके घर आए अंडा दे के चली जाए, मुर्गी भी आजकल ठीक ठाक खाती है तो अंडा देती है वो, वरना वो नहीं देगी अंडा, हड़ताल कर देगी, उसका खर्चा अलग है। तो अब क्या है कि भाई जाहिर है इसके लिए कमाना भी है, तो कमाने में जो टाइम लगेगा, तो कितना मुसलमान जो है ना वो ऐसी उसकी जिंदगी है। तो इसलिए नबी ने क्या फरमाया कि ठीक है मस्जिद में ज्यादा टाइम तो नहीं दे रहा, मगर दिल कहाँ अटका हुआ हो, मस्जिद की तरफ, दिल चाहता हो काश 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 मस्जिद में ही रहता मैं 24 घंटे, इतनी मोहब्बत हो उसको मस्जिद से। लिहाजा जब वक्त मिलता है, फारिग होता है, तो कहाँ पहुंच जाता है, नमाज से पहले पहुंच जाता है वो। कुछ तो होते हैं ना तकबीर उला में पहुंचते हैं, कुछ दूसरी जगत में पहुंचते हैं, कुछ आखिर में सलाम में पहुंचते हैं, और कुछ बिल्कुल जमात निकलने, उनका हमेशा मामूल ये होता है इधर इमाम ने सलाम फेरा और मस्जिद में दाखिल हुए वो। लेकिन ये क्या करते हैं, इधर अजान हुई और फौरन मजा आता है इनको अल्लाह के सामने बैठने। इसको उलमा ने एक समझाने के लिए एक मिसाल दी है, फरमाया कि देखो जिससे मोहब्बत होती है ना, मोहब्बत तो मोहब्बत चाहती है कि महबूब से मुलाकात हो, क्या ख्याल है, लेकिन अगर महबूब ने जो काम आपके जिम्मे लगाया है आपने वो नहीं किया तो महबूब नाराज हो जाता है, तो नाराजगी से बचने के लिए महबूब के हुक्म को तरजीह दी जाती है, मुलाकात को मुख्तसर किया जाता है। इसकी मिसाल है आपको किसी से इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, उसने आपको टाइम दिया कि भाई आ जाओ कायदे आजम के मजार पर आ सकते हो, या भी अम्मा पार्क है, ठीक है ना, ये क्लिफ्टन का पार्क है, तो पहुंच जाओ। अल्लाह ताला कायद आजम की मगफिरत फरमाए, बानी ये कौम का क्या हशर किया इस कौम ने, मज़ारों पे डेटें लग रही हैं, तो आपको डेटिंग पॉइंट बना दिया। गवर्नमेंट भी को भी थोड़ा सा शोर नहीं है कि कम से कम उस जगह को तो पाक करे डेटिंग पॉइंट से। तो आप जनाब पहुँच गए, अब जिससे मुलाकात थी डेटिंग पॉइंट था, आप टाइम पर पहुँचे, अब आप बड़े खुश हैं कि महबूब से मुलाकात है, और एक एक वक्त आपके लिए गुजारना मुश्किल नहीं होगा, मज़ेदार हो जाएगा, और आप चाहेंगे कि इनको पता ही नहीं, ये कह रहे हैं एक एक वक्त आपके लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगा, इनको पता ही नहीं होगा ये दुनिया में क्या हो रहा है, मुश्किल थोड़ी होगा, वो तो चाहेगा कि ये वक्त यहाँ पर रुक जाए, वक्त ना गुजरे। तो अब क्या है कि टाइम गुजर रहा है, महबूब ने आपके जिम्मे काम लगा दिए कि जाओ ऐसा करो दो छोले की प्लेट लेते आओ, दो बर्गर लेते आओ, पिज़्ज़ा लेते आओ, आप जाओगे दौड़े दौड़े और आओगे दौड़े दौड़े, सुस्ती से नहीं जाओगे, दिल तो चाहेगा कि जाऊं नहीं, लेकिन जाना क्यों पड़ रहा है आपको, मजबूरी क्या है कि भाई महबूब नाराज ना हो जाए यार, बोला है तो करना ही पड़ेगा। अब आप लाए दो बर्गर, पैसे भी महबूब नहीं दिए, अब आपको पैसे खर्च करने का गम नहीं क्योंकि वो तो उसने पैसे दिए, लेकिन डर किस बात का है कि भाई ये जो टाइम था ना मुलाकात का ये किस में जाया हो रहा है। तो करोगे तो आप काम उसके, लेकिन दिल वहीं अटका रहेगा कि काश काश ये काम ना लगाए अपनी जिम्मे। फिर जनाब उसने कोई काम कह दिया, जैसे आप बर्गर लेकर आओ, ऐसा करो जाओ ये काम करो, अब आप जाओ, तो आपका सारा दिन इस एक्टिविटीज में गुजरेगा, मगर दिल कहां अटका रहेगा, बोलो ना भाई महबूब के पास, दिल चाहेगा कि यार उधर ही बैठे रहते तो अच्छा था, कर भी रहे हैं उसका हुक्म है, वरना नाराज हो जाएगा, वरना जितना टाइम दिया उतना भी नहीं देगा। तो अहलुल्लाह जो हैं, जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है, उनको नमाज में, जिक्रुल्लाह में, रोज़े में, तिलावत में, इबादत में इतना लुत्फ आता है, इतना मज़ा आता है कि अगर अल्लाह का हुक्म ना होता कि बीवी बच्चे रखो, अल्लाह का हुक्म ना होता कि मखलूक में जाके तबलीग और दावत का काम करो, तो ये कभी मखलूक में ना बैठते, ये तन्हाई में हर वक्त अल्लाह की इबादत करते, इतना कमाते जिससे कमर सीधी हो जाए, इबादत की ताकत पैदा हो जाए, बस कहते भाई इतना कमाओ ताकि नमाज के लिए भी तो कुछ तमन्नाई चाहिए ना, रोजा रखने के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए, इतना कमाते, बाकी सारा वक्त किस में गुजारते, इबादत में।